हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर। आज की भागदौड़ वाली बिजी लाइफ में दही पूरी चाट घर पर बनाना बहुत ही बड़ी बात लगती है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं कि हम बस बाहर खाना पसंद करते हैं, और यही चीज़ें सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाए। इसके लिए मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स, जिसे आप सिर्फ 5 मिनट में बच्चों के शाम के नाश्ते में बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दही पूरी चाट बनाने के लिए हमें अक्सर चाहिए होती हैं 2 तरह की चटनियाँ, जो हम अक्सर घर में बनाते रहते हैं, धनिया की चटनी और इमली की चटनी। और जब भी आप ये चटनियाँ बनाएं, इसे आप 7 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। तो अब आती है पूरी की बात, या आप परचेस कर लीजिए या फिर इसके पैकेट आते हैं, बस उन्हें परचेस करके रख लीजिए और बस बनाते समय इन्हें आप फ्राई कर लीजिए। दही और नमकीन, यह भी सबके घर में ऑलमोस्ट होता है, या फिर परचेस कर लीजिए। और आलू बॉयल, जब आप सुबह या शाम खाना बना रहे होते हो तब आप उन्हें भी बॉयल करके फ्रिज में रख दीजिए। और जब आप बनाएं, आलू लीजिए और इसमें डालिए हरी मिर्च, और यह मटर, यह भी मैंने खाना बनाते समय, चाय बनाते समय, जब आपको समय हो तब आप इसे बॉईल करके रख दीजिए। और अब इसमें जाएगा हरा धनिया कटा हुआ, और अब इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला। और अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डालें। अब इन सबको अच्छे से मिश कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला हो गया एकदम तैयार। तो एक ट्रिक यह भी है, जब भी आपको चाट बनानी है तो आप एक दिन पहले आलू के पराठे बना लीजिए और यह मसाला तैयार हो जाएगा, तो आपके लिए अगले दिन यह भी काम आसान हो जाएगा। तो बस आपका 80% काम तैयार है। जब आप दही पूरी चाट बनाने लगे तो आपको बस टमाटर प्याज बारीक काटना है और पूरी फ्राई करनी है रेडीमेड वाली। और पूरी फ्राई करने के बाद हम सारी पूरियों को प्लेट में जमा लेंगे और सारी पूरियों में होल कर लेंगे इस तरह से। और अब सबसे पहले इसमें जाएगा बॉयल मटर, और अब इसमें जाएगा आलू का चटपटा मसाला, और अब इसमें जाएगा बारीक कटे हुए टमाटर, प्याज, और अब इसमें जाएगा फेटा हुआ दही। असेंबल आपके ऊपर है, आप जैसे चाहे असेंबल कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगी खट्टी मीठी इमली की चटनी, और इसके बाद हरा धनिया चटनी डालेंगे। अब इसे और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, और अब इसमें जाएगी बारीक नमकीन। बहुत ही मस्त बनी है यह दही पूरी चाट, मज़ा आ जाएगा इसे खाकर, अब बिल्कुल बाजार की मिस नहीं करेंगे। कोई नहीं कह सकता जब आप घर में बनाएंगे बहुत ही कम मेहनत में, जब आप इस तरह से छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करके बनाएंगे। तो तैयार है हमारी सेव पूरी चाट, टेस्टी, और इसके अंदर बहुत ही खट्टा मीठा फ्लेवर, तीखा चटपटा खाकर मज़ा आ जाएगा। सबसे जल्दी, सबसे स्वादिष्ट चटपटी चाट, सबसे आसान, जो आप कभी भी बना सकते हैं। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।